यह ठंडी ठंडी हवाएं, चारों ओर हरियाली, छन छन बरसता पानी, इसी से है प्रकृति की सुंदर कहानी। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज हम आए हैं जौनसार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग व्हील्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम आए हैं चक्राता से 25 किलोमीटर आगे, ये जगह है बुधेर, और यहाँ से आज हमें जाना है मोइला टॉप। सो गाइस, ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, और यहाँ पे है ये वन विभाग की चौकी। सो गाइस, यहाँ से हमारा ट्रैक होगा स्टार्ट, और अभी हमें जाना है यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर और पैदल ऊपर टॉप में, जहाँ का नाम है मोइला टॉप। सो गाइस, लेके चलते हैं आपको आगे, और आगे के सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे। ये है यहाँ का ट्रैक, ये देखिए काफी फिसलन भरा ट्रैक है ये, और आगे चल रहा है सानू, और सुबह से लगातार बारिश लगी हुई है। हमें लगभग 4 घंटा यहाँ पहुँचने में लग गया, 4 घंटे का टाइम हमें लग चुका है, और अभी देखते हैं यहाँ से ऊपर जाने में और कितना टाइम लगता है। ये हमें देख के बिल्कुल चौंक रहे हैं, ये देखिए 2 बैल आगे थे, और ये हमें बहुत घूर के देख रहे हैं। इनका इरादा हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है इनको देख के। सो हम अपना रास्ता चेंज करेंगे और हम जाएंगे इधर से, और उसके बाद ऊपर ऊपर से निकल के सीधे आगे, और सीधे वहाँ पर निकलेंगे हम। जब से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वहाँ से लगभग हम 1/2 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, और अभी हमें जाना है लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊपर। सो गाइस, देखते रहिए, रास्ता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और पीछे लगी एक साइड धुंध, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। और गाइज, यहाँ हम आ रहे हैं पहली बार, लगभग ये देहरादून से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ आते आते हालत हमारी हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और हमारे राइडर भीग चुके हैं अच्छे से, वो पीछे से कांप रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं, दिखाते हैं अभी आपको आगे मोइला टॉप। और आपने पर्वतों की रानी का नाम तो सुना होगा, मसूरी। सो आज हम आए हैं पर्वतों के राजा चक्राता में, इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड। और यार रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा संभल संभल के भी चलना पड़ रहा है इसलिए। मुझे बता नहीं देते। हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है यार। ये गाइस, ऊपर बकरियां चुग रही हैं, ये भेड़ गाइस के नीचे को। सो गाइस, आज पूरे ट्रैक में मैं और सानू भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, लगातार बारिश लगी हुई है, और ये देखिए हमने छाता उड़ा हुआ है, और सानू है मेरे ठीक पीछे, वो बेचारा भीगते भीगते आ रहा है। और गाइस, और टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं, और आज बस हम दोनों ही लोग हैं, तो रास्ता काफ़ी सूना लग रहा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है कि चढ़ाई है, गर्मी भी हो रही है, और ऊपर से बारिश भी पड़ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो रखा है, आज पूरे रास्ते में पानी पानी हो रखा है, और मिट्टी जो है, मिट्टी ऐसे दलदली सी है, तो जैसे ही पाँव रख रहे हैं तो तुरंत फिसल जा रही है। हमारे पीछे आ रहे हैं 2 डॉग, ये देखिए जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, कौन सी जगह थी यारो, मैं नाम बोल लूँ, बुधेर। हाँ, बुधेर से ये देखें, दोनों के दोनों हमारे पीछे लगे हुए हैं,
ये आ चुका है और दूसरा वाला धीरे धीरे लगा हुआ है अभी रास्ते में, उसको भी आप बता चुकी है चढ़ाई काफी है। ये हम दो महादेव बीस से 25 मिनट चलने के बाद हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हमारे साथ हैं दो डॉग्स, एक आगे भैया के साथ चल रहा है, एक मेरे साथ, हमारी प्रोटेक्शन की तरह। और अब थोड़ी ढलान शुरू हो चुकी है, अब देख सकते हैं इसकी आंख में चोट लगी हुई है, शायद जंगल के कुत्ते हैं, तो क्या पता इनका सामना कभी बाघ भूख से हो। और ये जंगली इलाका है, पूरे 2 से 3 किलोमीटर के बीच में कोई नहीं है, बस हम दोनों चल रहे हैं और हमारे साथ दो हमारे स्कॉट्स। यहाँ से आते लगभग हमें 4 घंटे हो गए थे, 4 घंटे से नॉन स्टॉप हम राइड कर रहे थे और लगातार बारिश लगी हुई थी, तो बारिश में राइड करके अब बॉडी भी ठंडी हो चुकी है, पर जैसे ट्रैकिंग शुरू होगी वैसे सब कुछ गर्म होना शुरू हो गया वापस, तो अभी सही है अभी। और यहाँ पे फ्लाइंग व्हील्स अपने धुन में छाता लेके, जब उनको पता भीगना तब भी है तो इन छाते के भी तभी छाता लेके चले हुए। कहाँ का ये मेरे हिसाब से वाला रास्ता वहां जाता है बुधेर केव, तो हमें यहाँ जाना है। क्या नाम था, कौन सी जगह जाना था हमें, है ऊपर जाना था ना? हाँ हाँ कोई टॉप है टॉप का नाम तो हमें पता नहीं, भूल गया, हम इतना चल चुके हैं। हाँ ऐसे कुछ था। तो काफी देर चलने के बाद अब बारिश भी हो रही है और पसीना भी आ रहा है, मैं तो पूरा अंदर से गीला हो चुका हूँ और मैं भी आज सारी क्लाइमेट देख लीजिए। सुबह जब हम निकले थे तो उस टाइम थी वहाँ धूप, हल्की सी धूप थी हा? और उसके बाद थोड़ा आगे निकले तो वहाँ बादल लगे हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े तो वहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और आगे आते आते बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई और फिर यहाँ पे रुकी और यहाँ पे फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो यह कुछ इस तरह है यहाँ का रास्ता, ये पत्थर आप देख सकते हैं अभी वो स्लिपरी हो रखे हैं। यहाँ एक भी गलत स्टेप और हम सीधा नीचे यहाँ खाइयों में। बाकी हमारा गाइड हमें गाइड करते हुए भाई कहाँ जाना है, कितना दूर और जाना है कह रहा है बस चलते रहो रास्ते में भी गड्ढे हो रखे। हर एक स्टेप बहुत संभल के रखना पड़ रहा है यहाँ पे। ऊपर रखना, ऊपर से लाइट पड़ेगी ना। सो फाइनली गाइस आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन और हमारे सीनियर राइडर जो थक चुके हैं बहुत। नहीं नहीं अभी थका नहीं हूँ, ऐसे रास्ता बहुत खराब था वरना टाइम कम ही लगता। सो गाइस वेलकम टू मोइला टॉप और आप यहाँ पे देख सकते हैं बोट, ये रहा बोट ऑफिशियली अनाउंसमेंट और ये रहा यहाँ का व्यू। आज थोड़ा धुंधस की वजह से व्यू जस्टिफाई नहीं कर रहा है कैमरा हमारा, बट मस्ट विजिट प्लेस है ये, आपको इतना एक बार यहाँ आना चाहिए, यहाँ आके देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम यहाँ आने का समर के टाइम है, जब धूप खिली हो आप यहाँ पे लगा कुछ भी कर सकते हो, कैंप कर सकते हो। और शायद ये जो लकड़ियाँ पड़ी है इसीलिए यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट वगैरह बनेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और ये हमारे राइडर कैसा लगा भैया? बहुत गजब लगा, 4 घंटे की मेहनत सफल हुई भाई
आज चलो टॉप पे चल के देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ के क्या नज़ारे हैं। सो गाइज यहाँ देखिए ये मखमली घास के मैदान, ये देखिए गाइज। और इस मखमली घास को लोकल भाषा में बुग्याल कहा जाता है। आपने देखा वो कुत्ते ना यहाँ तक आए और हम वहाँ पे रुक गए और लोग सीधा मंदिर की तरफ चले गए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मोइला टॉप की सबसे ऊंची चोटी में बना हुआ है ये बहुत ही प्यारा मंदिर। यह है सिलगुर देवता का मंदिर जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर से चारों ओर के नज़ारे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़र आते हैं। और आज लगी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध, तो इस कारण यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन और टाइम पे यहाँ से कहते हैं बहुत ही दूर दूर के नज़ारे बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अगर आप भी हो चुके हैं परेशान तो आप आ सकते हैं एक बार मोइला टॉप, यहाँ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये देखिए इन खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए। और अगर आप आना चाहते हैं यहाँ तो आपको देहरादून से आना पड़ेगा, पहले विकास नगर से चक्राता, और चक्राता से ये लगभग 25 किलोमीटर आगे पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी रोड है। सो गाइस आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए एक बार यहाँ और आनंद लीजिए इन खूबसूरत वादियों का। आज बारिश भी सुबह से कंटिन्यूसली लगी हुई है और इस लगती हुई बारिश में हम देहरादून से चले और वहाँ तो बारिश थी बहुत कम और धीरे धीरे आगे आगे आते आते बारिश बढ़ी और यहाँ तो धुंध भी लगी हुई है, सो आज व्यू भी इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिला तो यहाँ पे हम करेंगे कैंपिंग और ये पूरा इलाके आपको घुमाएंगे, इन सुंदर सुंदर वादियों में आपको पूरा सही से इंजॉय कराएंगे। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मोइला टॉप से। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।